तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन ही है। इसका यूज़ क्या होगा, क्लास 11th में तो है ये और 12th में भी देखने को मिलेगा दोनों, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके क्लास 12th में क्या होगा सब कुछ क्लियर होगा वहाँ पे जो टॉपिक हमें करना है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो फंक्शन को क्या कहता है, मैपिंग और मैप से भी डिनोट करते हैं, यानी कि हम किसी किसी बुक में मैपिंग अगर लिखा है या फिर मैप लिखा है तो उसका मतलब और कुछ नहीं है, फंक्शन ही है। ठीक है, अब फंक्शन होता क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, सिर्फ क्या है एक रिलेशन ही होता है बट अलग तरीके से होता है, यानी स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन में जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, दो सेट होते हैं, ठीक है, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, फिर उन दो सेट के वो ए और बी सेट के जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स निकले हैं उनके बीच में फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में हम क्या करते हैं कि रिलेशन डिफाइन करते हैं, तब जाके उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से क्या निकलता है, सबसेट निकलता है और उसे क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। ठीक, तो रिलेशन को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, अगर कोई रिलेशन है ए से बी में डिफाइंड तो आर ए से बी बोला जाता है। ठीक है, ये जस्ट अभी किस तरीके से डिनोट करना है वो तरीका बता रहा हूँ और फिर बताऊँगा कि फंक्शन क्या होता है, तो अभी तो रिलेशन ही कर रहे हैं। तो फंक्शन में किस तरीके से डिनोट किया जाता है, एफ स्मॉल एफ बनाते हैं और ए से बी में क्या जा रहा है, कोई फंक्शन जा रहा है। ठीक है, ए से बी में कोई फंक्शन जा रहा है। फंक्शन भी क्या होता है, रिलेशन की तरह किसी दो सेट पे काम करता है। एक्चुअल में देखा जाए फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक रिलेशन ही होता है बट अलग तरीके का, स्पेशल टाइप का। क्या अलग होता है उसकी बात करते हैं, फिर समझ में आएगा कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो रिलेशन का अगर हम देखा जाए कि रिलेशन में क्या था हमारे पास, एक साइड पे क्या था, एक सेट के एलिमेंट्स थे और उसकी क्या बन रही थी, हमारे पास इमेजेस निकल के आ रही थी। अगर सपोज दैट क्या करते हैं, रिलेशन का एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, फिर उसमें रिलेशन और फंक्शन में क्या खास बात है, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा कि फंक्शन में क्या होता है ऐसा जो रिलेशन में नहीं होता। ठीक है, और क्यों किसी को हम किसी रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। तो ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है ए कॉमा बी। तो मैंने क्या किया, इसमें कोई रिलेशन डिफाइंड किया होगा, ठीक है, कोई रिलेशन डिफाइंड किया और उसमें जो भी सेट निकल रहे थे, और ये रिलेशन निकलता है किस में से, सबसेट में से निकलता है, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम क्या लिख रहे हैं, जस्ट रिलेशन लिख रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं, कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। सपोज दैट मैंने क्या लिया, एक ऐसा रिलेशन लिया जिसमें क्या है, 1, a है, देन 1, b है, एंड 3, a, देन 2, b। तो ये क्या हो गया, इन दो सेट में कोई रिलेशन डिफाइन किया, वो तरीका कुछ भी हो सकता है, बस मैंने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन नहीं किया कि r इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू ये होगा, या जैसे और केसेस में था r इज इक्वल्स टू x कॉमा y, मुझे एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है सच दैट, फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, रिलेशन डिफाइन करते थे सेट बिल्डर में, उसके बाद हम क्या करते थे, ये रोस्टर फॉर्म में लिखते थे। मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल में समझने के लिए डायरेक्ट क्या कर दी, रोस्टर फॉर्म लिख दी, और इसमें रिलेशन हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है, कुछ कॉमन देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी, तो जस्ट एक एग्जाम्पल ले रखा है और डिफाइंड अभी ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन का मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा, एरो डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या है, हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 है, 1 2 3। मैंने बोला था ना, जब भी एरो डायग्राम बनाते हैं हमें रिलेशन वाले सेट से मतलब नहीं होता, हमें क्या होता है, कंप्लीट सेट के एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, ए सेट 1 2 3, फिर उस रिलेशन को देख के हम देखेंगे कि किसकी क्या इमेज बन रही है, उस हिसाब से क्या बनाएंगे, एरोज बनाएंगे। तो ए सेट में 1 2 3 है और यहाँ पे क्या है, ए और बी है। तो ए 1 की इमेज कितनी है, ए है, और 1 की इमेज क्या है, बी है। 3 की इमेज क्या है, ए है, और 2 की इमेज क्या है, बी है। तो ये क्या हो गया, रिलेशन बन रहा है ए से लेकर बी के बीच में, ए से बी में, आर ए टू बी। ठीक, तो ये रिलेशन हो गया। अब एक चीज, चलो इससे पहले क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक और रिलेशन बनाता हूँ, ठीक है, इसी सेट में एक और रिलेशन बनाता हूँ, ये भी रिलेशन था, अभी मैं जो लिखने वाला हूँ वो भी रिलेशन है, बट उसमें क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं। मैंने इस सेट में रखा क्या, 1, a, देन 1, b, 1, b नहीं लेते हैं, 2, b, देन 3, a,
एंड थ्री कॉमा बी, थ्री नहीं ले सकते, वन टू थ्री, ठीक इतना ही लेते हैं। ठीक, अभी क्यों लिया और कैसे लिया मुझे जस्ट अभी क्या समझाना है, फंक्शन क्या होता है वो समझाना है, फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है वो। तो अभी क्या लिया मैंने, ये सेट लिए, एग्जांपल लिए, एक ये रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है, इसको मैंने रिलेशन ही बोला है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला था ना क्या फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, यानी कि हम निकाल तो रिलेशन ही रहे होते हैं बट उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं क्योंकि हमें उसमें एक खास चीज़ दिख जाती है, वो खास चीज़ क्या है वो देखनी है हमें, वो ऑब्जर्व करनी है। ये जो रिलेशन था ये रिलेशन ही है, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा अभी समझते हैं। मगर ये जो रिलेशन बनाया मैंने जिसमें क्या रखे, ए सेट ये रखा, बी सेट ये रखा, हम दोनों तरीके से समझ रहे हैं क्या, रोस्टर फॉर्म में भी और किसमें, एरो डायग्राम से भी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, वन टू थ्री ए सेट, और यहाँ पे क्या ए बी है हमारे पास। तो वन की इमेज क्या जा रही है, ए जा रही है, टू की इमेज क्या जा रही है, बी जा रही है, देन थ्री की इमेज अगेन क्या जा रही है, ए जा रही है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन, ये कहलाएगा हमारा क्या, फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई यू एन, फंक्शन। बट ये रिलेशन रिलेशन ही रहेगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, देखो जो रिलेशन का जो भी सेट होगा ना हमारे पास, ये रिलेशन का सेट है, ये भी रिलेशन का सेट है, इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो भी पहला एलिमेंट है, जो भी पहला एलिमेंट है वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। इस रिलेशन में क्या था, पहला एलिमेंट क्या था, पहले ऑर्डर्ड पेयर का वन है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट क्या है, पहली पोजीशन पे टू है, और तीसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहली पोजीशन एलिमेंट क्या है, थ्री है, दोनों क्या है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है। तो ये क्या कहलाता है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। बट ये जो रिलेशन था इसमें अगर हम देखेंगे, ये अलग अलग क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर है, बट क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, पहली पोजीशन पे वन है, यहाँ पे भी दूसरे ऑर्डर पेयर में पहली पोजीशन पे क्या आ गया, वन आ गया। फिर भले ही यहाँ पे थ्री और ए टू है, ये अलग हैं, इससे हमें मतलब नहीं, बट क्या हो गया, यहाँ पे पहली पोजीशन पे वन था तो यहाँ पे भी क्या आ गया, पहली पोजीशन पे वन आ गया, यानी कि पहला एलिमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया इन ऑर्डर पेयर में। तो ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहला सकता, बट ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है वो हर बार क्या है, अलग अलग है। ठीक है, या फिर इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कही जाती है क्या, कि फंक्शन क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें जो भी पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, पहला एलिमेंट होता है उसकी हमेशा क्या मिलती है, यूनिक इमेज मिलती है, हर बार क्या मिलती है, अलग अलग इमेज मिलती है। या फिर और डीप अगर जाएंगे तो इस तरीके से समझते हैं क्या, कि रिलेशन जब सिर्फ रिलेशन होता है तब क्या होता है, ये जो पहली पोजीशन पे यानी कि ए सेट में जो भी एलिमेंट है उसकी दो इमेजेस बन सकती हैं, उसकी दो इमेजेस बन सकती है, वन का ए और वन का बी, यानी कि क्या है, पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, वन का ए वन का बी। तो ये क्या कहेगा, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, रिलेशन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहला एलिमेंट है उसकी क्या मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल रही है। बट फंक्शन क्या होता है, वह एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट की जो क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, उसमें हर एलिमेंट के क्या मिलती है, हमें अलग अलग इमेजेस मिलती है, वन की इमेज ए मिल रही है, टू की इमेज बी मिल रही है, थ्री की इमेज ए मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, यानी कि क्या हो रहा है, ए वन कॉमा ए थ्री कॉमा ए, यानी कि जो सेकेंड पोजिशन पे एलिमेंट है वो रिपीट कर सकता है, यानी कि दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं जा सकती। इस तरीके से हमारे पास फंक्शन मिल सकता है, यानी कि दो एलिमेंट है हमारे पास वन और थ्री, इसकी एक इमेज ए मिल सकता है किसमें, फंक्शन में। बट ऐसा नहीं हो सकता कि वन की क्या जा रही है, दो इमेजेस जा रही है, जैसा इस केस में हो रहा है, वन की ए भी जा रही है और बी भी जा रही है। ये क्या कहलाएगा, सिर्फ एक रिलेशन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट की क्या है, अलग अलग इमेज है, और किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज हमें मिल सकती है, किस केस में, फंक्शन के केस में। तो ये क्या रहता है, इसमें बेसिक डिफरेंस रहता है रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, और फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें पहला एलिमेंट क्या करेगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा, वन ए टू बी थ्री कॉमा ए, बट सेकंड एलिमेंट क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है, यानी कि कहने का मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज मिल सकती है बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलेगी, किस केस में, फंक्शन के केस में, वो तब क्या कहलाएगा, रिलेशन ही कहलाएगा।
ठीक, और इस चीज को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, एक फंक्शन इज डिफाइंड ए से बी में। तो ये क्या रहता है, बेसिक डिफरेंस रहता है रिलेशन में और फंक्शन में। तो ये आर क्या कहलाएगा हमारे पास, ये क्या होगा, एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो इसके बाद क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिए हुए गए हैं, तीन रिलेशन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और अभी अभी मैंने फंक्शन की पहचान बनाई है, किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहला क्या, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, यानी कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, ये जस्ट एक पहचान है, इतना काफ़ी है हमारे लिए किसी रिलेशन को फंक्शन करने के लिए, क्या पहला एलिमेंट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। और अगर कंफ्यूजिंग के लिए कहीं पे ऐसा लगे कि सेकंड एलिमेंट क्या वो बन रहा है, दोबारा रिपीट इमेजेस मिल रही है, तो यानी कि सेकंड एलिमेंट क्या करता है फंक्शन में, हमारे पास रिपीट मिल सकता है। सेकेंड एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे पास दो एलिमेंट की एक इमेज मिल सकती है बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं जा सकती। इसी वजह से जो सेकंड एलिमेंट है, किसका, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है, वो रिपीट कर सकता है। ठीक है, वो फंक्शन तब भी कहलाएगा। तो काफ़ी एक कंडीशन ही काफ़ी है, क्या पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए किसी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। अब ये रिलेशन है हमारे पास 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 3, 4। हमने क्या देखे, पहले एलिमेंट देखे खाली, 2, 3 और 4 है, हमने कह दिया क्या ये फंक्शन है। बट एक चीज़ कन्फ्यूजन लगता है, क्या यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या होगा यहाँ पे। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लो, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, तो उसका फंक्शन होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फंक्शन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन काफ़ी है। और अगर कहीं पे कंफ्यूजिंग के लिए सेकंड एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कंफ्यूज हो रहा है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट काम आएगी जो कहती है सेकंड एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, यानी कि दूसरा जो एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। अब अगर इसका एरो डायग्राम बनाएंगे इस पहले रिलेशन का, तो ये कुछ ऐसे बनाएंगे, और ये फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। हमारे पास क्या है, 2, 3, 4 हैं, और वहाँ सेट में क्या है, 1 और 2 हैं। तो 2 की इमेज कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, और 3 की इमेज 1 मिल रही है, और 4 की इमेज क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो यहाँ पे देखें, सारे ही एलिमेंट्स की क्या मिल रही है, अलग अलग इमेज मिल रही है। और ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, दो एलिमेंट की क्या है, एक ही इमेज है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की दो इमेज मिले, वो तब क्या कहलाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 2। तो ये क्या है हमारे पास, एक फंक्शन है, ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, FUNCTION, फंक्शन। अब इसके पास सेकंड वाला रिलेशन देखते हैं, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4। इन दो ऑर्डर्ड पेयर को देखा, पहला एलिमेंट रिपीट कर गया, हमने बोला ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, रिलेशन होगा। क्योंकि कंडीशन क्या है, सबसे पहली फर्स्ट एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, यानी पहले जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसमें तो अलग अलग है, 3 और 4 अलग अलग है, बट यहाँ क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो एक जगह पे भी रिपीट हो गया, यानी कि पहला एलिमेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, एक रिलेशन ही कहलाएगा, फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। और अगर इसका हम क्या बनाएंगे, इसका वो बनाएंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। पहली है 2, 3, 4 ही रह रहा है, और दूसरे सेट में होगा 2, 4, 3, 4। तो दूसरे सेट के लिए बना लेते हैं 2, 4, 3 और 4। तो इसमें क्या जा रही है, 2 की इमेज क्या मिल रही है, पहले तो 2 ही मिल रही है। ठीक है, 2 की इमेज 2 मिल रही है, और देन अगेन 2 की इमेज क्या मिल रही है, 4 मिल जा रही है। यानी कि ये जो पहला सेट है, इसका एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं, 2 की 2 भी मिल रही है और 2 की 4 भी मिल रही है। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता। 3 का क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 4 का क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ये भले ही अलग अलग हैं, बट क्या हो गया, एक कंडीशन ही काफ़ी है इसको फंक्शन ना होने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा।
अब ये वाला बोला गया 1, 2, हम क्या देखेंगे, पहला एलिमेंट देखेंगे। जब भी इस तरीके के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हों और रिलेशन कह रहा है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, हम सीधे क्या देखेंगे, पहला एलिमेंट देखेंगे वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, हमें दूसरे वाले से मतलब नहीं, क्योंकि दूसरा वाला क्या होता है, रिपीट हो सकता है। अगर रिपीट भी हो रहा है तब भी क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा, अगर पहला एलिमेंट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, यानी डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो 1, 2, 2, 3, 4, 5 और 6, इनके पहले एलिमेंट सारे अलग अलग हैं, यानी ये क्या होगा, एक फंक्शन कहलाएगा, FUNCTION। इसका भी हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं, एरो डायग्राम में देख लेते हैं, दोनों तरीके से समझ रहे हैं किससे, एक हमें क्या दिया रोस्टर फॉर्म में और एक एरो डायग्राम से भी, तो एरो डायग्राम से समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस सेट में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इमेजेस क्या मिल रही है, एक चीज़ फंक्शन में आधी चीज़ें वैसी रहती जो जो चीज़ें हमने क्या करी रिलेशन में सीखी थी। ये हमारे पास क्या है, 1 का इमेज 2 मिल रहा है, 2 का इमेज 3 मिल रहा है, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 6, 6 का इमेज क्या होगा 7 होगा। तो काम उसी तरीके से चल रहा है। और एक दूसरी चीज़ आ जाती है क्या, अगर मैंने पूछा ये वाला जो रिलेशन है, मैंने पूछा 1 की इमेज क्या होगी, हम बोलेंगे 2 है, 2 की इमेज बोल पूछेंगे तो क्या है, 3 है। अब अगर हम इसका रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, मैंने पूछा 2 का प्री इमेज क्या होगा, प्री इमेज, ठीक है, उल्टा है, यानी प्री इमेज की बात हो रही है। अब इमेज में क्या, 1 की इमेज क्या 2, 2 की इमेज 3, अब मैंने पूछ दिया 2 की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी, यानी रिवर्स कर दिया, 2 का प्री इमेज 1, 3 का प्री इमेज 2, देन 4 का प्री इमेज 3। इस तरीके से इमेज और प्री इमेज दो नए टर्म इसके लिए, फंक्शन के लिए, इमेज तो हम कर चुके थे, प्री इमेज नया टर्म जुड़ा है किसमें, जब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक। और उसी तरीके से काम होगा जैसे रिलेशन में हो रहा था, इमेज किसे बोलते थे, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए सेट में क्या है, दूसरे सेट में हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो सेट है मैं इसी में से लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें सेट गिवन नहीं थे, जस्ट हमें रिलेशन गिवन था, तो हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, 2, 3, 1 की इमेज क्या 2, देन 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, देन 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 7। तो हर एक एलिमेंट की क्या जा रही है, बिल्कुल अलग अलग क्या मिल रही है, हमें इमेजेस मिल रही है, ठीक है। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, अगर मैं पूछता हूँ प्री इमेज किसका, 4 का प्री इमेज बताओ, तो क्या बोलेंगे, 3, उल्टा, 5 का प्री इमेज उल्टा 4, 6 का प्री इमेज उल्टा 5। तो जहाँ तक है फंक्शन क्या होता है ये समझ आ चुका होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 12th में भी काम आएगा, अगर यहाँ अच्छे से समझ आया तो आगे भी समझ में आएगा क्लास 12th में। तो अभी तक फंक्शन की देखना, हम फंक्शन को ना 2 या 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 2 या 3 डेफिनेशन निकलती हैं इसकी। अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या क्या बोला था, पहला एलिमेंट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट हमेशा क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा। और एक और डेफिनेशन बोली थी क्या, कि जो भी ए सेट है, यानी इधर वाला, ये अगर ए बोलूँ ये बी बोलूँ, ए सेट है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या मिलेगी, अलग अलग इमेजेस मिलेगी, अलग अलग इमेजेस मिलेगी। अलग अलग इमेज से इमेजेस मिलने से ये मतलब नहीं कि सेकेंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, सेकेंड एलिमेंट रिपीट होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे ये था 2, 1, 3, 1, 2 की यानी कि 2 एलिमेंट की 1 इमेज मिल सकती है, 1 एलिमेंट की 2 इमेज नहीं मिल सकती, बस यही बेसिक डिफरेंस रहता है रिलेशन और फंक्शन में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो जहाँ तक है ये चीज़ समझ में आ गई होगी रिलेशन और फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस रहता है। फंक्शन कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेशन से ही लिया गया है, बट एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें क्या हो रहा है कि जो पहला एलिमेंट है उसकी वो क्या रहेगा, हमेशा अलग अलग रहेगा और हर बार क्या देगा, अलग अलग इमेज देगा। 1 एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 एलिमेंट की 1 इमेज हो सकती है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है। तो अगर कहीं पे कंफ्यूजिंग लगे, समझने में कंफ्यूजिंग लगे कि फंक्शन क्या होता है, तो ये 2 पॉइंट लिख लो, काफ़ी है इतना। क्या पहला एलिमेंट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, और सेकेंड एलिमेंट क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है, ठीक, किसी रिलेशन को फंक्शन समझने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, इसमें फंक्शन में ही अगला टॉपिक देखते हैं। तो फंक्शन में आगे बढ़ने से पहले उसका क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, और मैंने बोला था कि फंक्शन की एक और डेफिनेशन देने वाला हूँ, तो वो भी समझ लेंगे इस एग्जांपल से, फंक्शन की क्या हो सकती है, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पे क्या गया है, एक लेट एन बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें पता है एन किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर के सेट को।
एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन, और उस सेट में यानी कि एन सेट में जो नेचुरल नंबर का सेट है कहाँ से कहाँ तक होगा, 1, 2, 3 कॉमा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इस सेट में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है। वो रिलेशन क्या है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लेने हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 2x, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सिर्फ x बोला गया नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लें क्या कि जो दूसरा एलिमेंट होगा यानी y दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पहले वाले का डबल होगा, पहले वाले का डबल होगा। तो ज़रा इसका रिलेशन बना लेते हैं पहले। और हमें क्वेश्चन क्या था, पूरा क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, इसमें क्या निकालना, हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है, को डोमेन फाइंड आउट करनी है, रेंज, और ये बताना है कि क्या ये रिलेशन, ये जो रिलेशन निकलेगा हमारे पास, जो भी ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे क्या वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं R इज इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है हमारे पास, नेचुरल नंबर किस तरीके से डालना शुरू करेंगे, हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू 2x ले रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 2x ले, यहाँ से एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, अभी वो बताऊँगा। अभी तक का फिलहाल के लिए जब भी हमने रिलेशन करा था उसमें क्या कर रहे थे, y इज इक्वल्स टू 2x रखा, यानी कि जो भी रिलेशन डिफाइंड किया गया था इस तरीके से रख दे रहे थे। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो भी हमें सेट दिया है उसमें से x की वैल्यूज़ रखते हैं और करस्पॉन्डिंग y हमें क्या रहते हैं, मिलते रहते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर का सेट है तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे तो y कितना, 2, तो पहला क्या मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x बढ़ाते रहेंगे यानी कि 2 लेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 4, यानी कि 2, 4। देन हम 3 लेंगे तो y कितना मिलेगा, 6। देन हम 4 लेंगे तो y कितना, 8। और इसी तरीके से क्या रहेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलते रहेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, सेट क्या दिया है, नेचुरल नंबर का दिया है। ठीक, बट इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि क्या ये फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अब देखो, फंक्शन होने के लिए सबसे पहली वो क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या अगर मेरे पास सिर्फ ये दिया है, इस फॉर्म में दिया है, क्या देखूंगा मैं, जो पहला एलिमेंट है वो क्या करे, रिपीट ना करे, पहला एलिमेंट रिपीट ना करे कभी भी। तो एक बार अगर देखें, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, तो पहली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट उतरेगा वो कभी दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, कभी दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है ये क्या हो गया, एक फंक्शन कहलाएगा। तो इसका हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम भी बना लेते हैं। हमने क्या दे दिया, इसका आंसर क्या दिया कि ये जो भी रिलेशन है ये क्या है, एक फंक्शन है, ये आगे तक जाएगा इन्फिनिटी। देन ये क्या मिल रही है, इनकी इमेजेस क्या मिल रही है, 1 का 2, देन 4, देन 6, 8, इसी तरीके से 6 के लिए 12। तो 1 की क्या 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, देन 5 का क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, इसी तरीके से 6 का 12, 7 का 14। तो क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं। इसी वजह से ये जो रिलेशन आ रहा है ये क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। इतनी बात क्लियर है कि पहली वाली कंडीशन अगर ये सिर्फ हमारे पास ये है तो हम क्या देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो ये हो रहा था, और हमने क्या करा, एरो डायग्राम भी बनाया, तो वहाँ से भी हमें दिख गया क्या, जो पहला एलिमेंट है उनकी क्या मिलेगी, हर बार क्या मिलेगी, अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। इसी वजह से हमने क्या बोला, इसे फंक्शन बोला। अब ये क्या हो गया, फंक्शन बन चुका है, ये क्या है, एक फंक्शन, ये रिलेशन था, ये फंक्शन हो गया। तो यहाँ से एक नया जो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है वो बता देता हूँ, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और जो फंक्शन की नई डेफिनेशन, एक दूसरी डेफिनेशन देने वाला हूँ वो क्या होती है वो देखते हैं। अभी तक का जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें सीधे क्या देगा, फंक्शन कहेगा, हमसे ये नहीं कहेगा कि रिलेशन डिफाइन किया गया आर इज इक्वल्स टू, फिर करो कि ये एक फंक्शन होगा ऐसा दिखाओ, ऐसा नहीं होगा। हमें सीधे क्या कहेगा, ये फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू करके इस तरीके से डिफाइन होगा, और फंक्शन क्या जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। अभी पूरी बात करेंगे उसके बाद समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल्स टू 2x था, y इज इक्वल्स टू 2x क्या दिया था, रिलेशन दिया था। अगर सपोज दैट यहाँ पे हमें रिलेशन नहीं दिया होता और हमसे सीधा कहता क्या एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है और जो कि किस तरीके से डिफाइंड किया गया है, इस तरीके से y इज इक्वल्स टू 2x से डिफाइंड किया गया, और हमें बताओ क्या, एग्जामिन करो, चेक करो कि ये फंक्शन है या नहीं है। हम क्या करते, बिल्कुल यही तरीका अपनाते, x की वैल्यूज़ डालते और करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहे होते, y मिल रहे होते। बट उसको दिखाने का तरीका क्या है, हम इस तरीके से दिखाते हैं, fx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2x। कहने का मतलब है
ये y की जगह पे, इस y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ, यानी कि fx इज इक्वल्स टू 2x। तो आगे से ये जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे, अगर कहीं पे y लिख दिख रहा है तो मैं उसकी जगह पे fx रख सकता हूँ, और अगर कहीं पे fx दिख रहा है उसकी जगह पे मैं y रख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों कर सकता हूँ, इस बात को देखो, y इज इक्वल्स टू 2x जब हमारे पास था, हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यूज़ डाल रहे हैं 1 2 3 4, हमें क्या मिल रहे हैं, y मिल रहे हैं, x कॉमा वाई, यही तो मिल रहा है। अब जब मैंने क्या बोला, y की जगह पे मैं fx इज इक्वल्स टू 2x रख सकता हूँ, तो इसे करने का क्या तरीका है, ये क्या था, रिलेशन के लिए डिफाइन किया गया था, ये मैं बोल रहा हूँ फंक्शन के लिए, कि फंक्शन में किस तरीके से डिफाइन करके आया होगा, fx इज इक्वल्स टू 2x की फॉर्म में होगा, इस तरीके से ये क्या है, एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, f1 x की सबसे पहली वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, f1 कितना होगा, 2 होगा, देन फंक्शन की x की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी, तो कितना f2 कितना होगा, 4 होगा, देन 3 रखी, f3 कितना होगा, 6 होगा, और मैंने बोला था fx की जगह पे हम y रख सकते हैं, y लिखें या fx लिखें दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो ये मिल क्या रहे हैं, 2 4 6, ये हैं क्या, वाई ही तो हैं, ठीक है, वाई और y, यानी कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज y, 3 की इमेज 6। तो y की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, fx लिख सकते हैं, और ये तरीका होता है किसको, किसी फंक्शन को डिनोट करने का, लिखने का तरीका। तो अगर ये चीज़ अभी समझ में ना आई हो, अभी और भी क्वेश्चन है उसमें भी समझेंगे, क्योंकि आगे जाके क्या होने वाला है, ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा, क्या दे देगा, सीधे हमें फंक्शन दे देगा, और कैसे, fx इज इक्वल्स टू 2x, या फिर fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, या फिर fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो भी फंक्शन होगा वो, क्योंकि रिलेशन हम क्या करते हैं, रिलेशन भी तो डिफाइन करना पड़ता है, रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए, रिलेशन का जो भी सेट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, उसके लिए रिलेशन डिफाइन किया जाता है क्या, इस तरीके से y इक्वल्स टू 2x, उसी तरीके से फंक्शन में भी तो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ये रिलेशन क्या है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है। अब इसको मैं रिलेशन ना बोल के फंक्शन बोलूँगा, लेट f इज इक्वल्स टू इतना, ये फंक्शन है, इसमें भी तो ऑर्डर्ड पेयर निकल रहे हैं, अब इस फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर निकल रहे हैं तो इसको भी तो डिफाइंड किया गया होगा, और वो डिफाइंड किस तरीके से किया जाता है, fx इज इक्वल्स टू 2x से, ना कि y इज इक्वल्स टू 2x, y भी एक ही बात है, fx भी एक ही बात है, बस मैं फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूँ, fx इज इक्वल्स टू 2x से, वहाँ पे क्या है, रिलेशन के लिए y इज इक्वल्स टू 2x। फंक्शन की एक और डेफिनेशन निकल के आती है, जो क्या कहती है कि फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन को क्या करें, एक मशीन कंसीडर करी जा सकती है, फंक्शन क्या होती है, एक मशीन की तरह कंसीडर करी जा सकती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। कैसे, कहने का मतलब ये क्या था, हमारे पास fx इज इक्वल्स टू 2x था, या फिर y इज इक्वल्स टू 2x था, क्या कहें, दोनों बातें एक ही हैं, इसमें क्या कर रहे थे हम, x डाल रहे थे, यानी कि इनपुट डाल रहे थे, x क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इनपुट डालते रहेंगे, हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, वैल्यूज़ मिलने वाली है, यानी कि इमेजेस मिलने वाली है। तो हमने क्या करा, इनपुट डाला, तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये सब भी क्या आता है, फंक्शन की एक तरीके से डेफिनेशन कह सकते हैं, या फिर डिफाइन करने का तरीका। अगर एक और फंक्शन लो मैं, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और x बोलूँ क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, x क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसमें क्या करा मैंने, इसके जो भी ऑर्डर पेयर होंगे किस तरीके से निकलेंगे, f1 की जगह पे f फंक्शन में क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, यानी कि इनपुट क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, नेचुरल नंबर से शुरू करूंगा, 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 रखूंगा। अगर 2 डालूंगा इस फंक्शन में, 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 ही मिलने वाला है। अगर 3 डालूंगा f3, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 मिलने वाला है। f4 डालूंगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो इनपुट डाला, आउटपुट मिल रहा है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, और एडवांस होती रहेगी, तो बट सभी का मतलब एक ही है, सभी का मतलब एक ही है, बेसिक वाला चेंज नहीं होगा। क्या, हर एक एलिमेंट की इमेजेस क्या होंगी, अलग अलग इमेज होगी, मतलब अलग अलग होगा हर एक एलिमेंट, यहाँ पे जितना भी सेट है, ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हर एक जो भी इमेज मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16, इस तरीके से क्या किया जाएगा, इसे रीड किया जाएगा, सब कुछ वही है, जो बेसिक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वही है, बस थोड़ा सा डिफाइन करने का तरीका क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। क्या बोला, इनपुट डालेंगे, हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, और इस तरीके से मिलेगा क्या, कि जो भी ए सेट था हमारे पास, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी इमेजेस मिलेगी वो हर बार बार क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो ये होता है पूरा मतलब किसका, फंक्शन का मतलब। इसके बाद हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं, कि कितने टाइप के हमारे पास फंक्शंस होते हैं,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में ये जो सब जो कुछ भी हमने पढ़ा वो अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, तो उससे क्या होगा और चीज़ें क्लियर होंगी, अगर कोई डाउट रह गया होगा तो और क्लियर होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, फंक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन, फिर हमारे पास आता है मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो सारे पढ़ने इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दें क्या, कि फंक्शन क्या होता है, दो तरीके का हो सकता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, या फिर रियल फंक्शन। अब कब हम किसी फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे और कब हम रियल फंक्शन बोलेंगे वो चीज़ देखते हैं। अभी अभी मैंने फंक्शन को डिफाइंड करने का तरीका बताया, कैसे, वही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था, fx = 2x था। तो अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन क्या होंगे, यानी कि x की जो जो वैल्यूज़ डाल रहे हैं और जो हमें उनकी इमेजेस मिल रही हैं वही तो डोमेन और रेंज होती हैं। जैसा रिलेशन के केस में डोमेन और रेंज था, डोमेन क्या बताया था मैंने, जिनकी हमें इमेजेस मिल रही होंगी वो सब क्या होंगे, डोमेन में आएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ये सपोज कोई रिलेशन है इस तरीके से अगर जा रहा है तो डोमेन में क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3 आएंगे, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 की क्या आ रही, कोई इमेजेस नहीं मिल रही है। ठीक है, तो डोमेन क्या होते हैं, जिनकी हमें कोई ना कोई इमेजेस मिल रही होती है। उसी तरीके से फंक्शन भी तो यही होता है, फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेजेस मिल रही होती हैं। तो डोमेन क्या होंगे, जिनकी इमेजेस मिल रही होंगी, और रेंज में कौन से आते हैं, जो जो सब के होंगे इमेजेस होंगी। ठीक है, उन सब का पूरा सेट क्या कहलाएगा, इमेजेस, यानी कि 5, 6, 7। तो डोमेन और रेंज क्या रहती है, एज इट इज़ रहती है, जैसा रिलेशन में होता है वैसा ही फंक्शन में होता है। तो इस fx = 2x में जब हमने क्या बोला था, x किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो कहने का क्या मतलब है, x यानी कि जो डोमेन है यही तो होता है x, जो हम वैल्यूज देने वाले हैं यही तो होता है हमारे पास डोमेन। तो जो डोमेन है वो क्या रहने वाला है, रियल नेचुरल नंबर्स का रहने वाला है, डोमेन नेचुरल नंबर्स का रहने वाला है। और जो हमारे पास क्या आएगी, रेंज आएगी, यानी कि जो इमेजेस मिलेंगी, रेंज इमेजेस मिलेंगी वो क्या हो सकती है, वो भी क्या होंगी, हमारे पास नेचुरल नंबर ही लाएंगी, क्योंकि fx = कितना बोला गया, 2x बोला गया। अगर इस fx = 2x की जगह पे मैं +0.5 कर लूँ, एक फंक्शन ऐसा बना दिया मैंने क्या, fx = 2x + 5, जिसमें x क्या करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर उसमें डाल सकते हैं, बट जो रेंज मिलेगी, जो वैल्यूज़ मिलने वाली है, जो इमेजेस मिलने वाली है वो क्या हो सकती हैं, अब क्या हो जाएंगी, ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगी, क्योंकि मैंने क्या ऐड कर दिया उसमें, रेंज बोलते हैं, रेंज क्या हो जाएगी, अब ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या ऐड कर दिया, 0.5। तो अगर मैं x नेचुरल नंबर भी लेता हूँ, जैसे मैंने 5 लिया, 5 × 2 = 10 +0.5 करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा, 10.5, यानी कि क्या, रियल नंबर्स। तो जो रेंज मिलेगी, यानी जो वैल्यूज़ मिलने वाली, यानी कि जो इमेजेस मिलने वाली, वो क्या आ रही हैं, रियल नंबर्स आ रही हैं, यानी रियल नंबर्स में मिलेंगी। तो जो वैल्यू मिल रही है, रियल वैल्यू मिल रही है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इस तरीके का फंक्शन जिसमें डोमेन क्या होगी, हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कहने का मतलब है वो होने को क्या होगी, नेचुरल नंबर्स हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट क्या होगी, रियल नंबर्स नहीं होगी। जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकता है, बट जो रेंज मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, रियल नंबर्स रहेगी। इसलिए इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, जिसमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, रियल मिल रही है, यानी आर रियल नंबर्स का वैल्यू मिल रही है। रियल फंक्शंस वो कहलाते हैं जिसमें डोमेन भी हम क्या ले रहे हैं, रियल नंबर्स ले रहे हैं, और रेंज भी क्या ले रहे हैं, हम रियल नंबर्स मिल रही है, रेंज भी क्या मिल रही है, रियल नंबर्स मिल रही है। अगर यही वाला एग्जांपल ले लें, fx = 2x + 5, अगर इसमें नेचुरल नंबर को हटा के डोमेन की जगह पे मैं क्या लिख दूं, आर लिख दूं, यानी कि रियल नंबर्स, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन। ये अब क्या हो गया, एक रियल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यही बेसिक सा फ़र्क रहता है रियल वैल्यूड फंक्शन में और रियल फंक्शन में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रियल वैल्यूड बोल रहे हैं ना, तो वैल्यू क्या मिलेगी, रियल मिलेगी, यानी कि जो रेंज मिलेगी वो रियल मिल सकती है, बट जो डोमेन होगी वो रियल नहीं होगी, नेचुरल हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, रेशनल, इरेशनल, चाहे कुछ भी हो।
तो ये बेसिक सा डिफरेंस रहता है रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन में। इसके बाद हम क्या करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन के लिए ताकि और बेटर समझ लें, और उसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, क्योंकि वो टॉपिक भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बाद क्या आता है हमारे पास, एलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन, जो इस एक्सरसाइज के लिए ये जो 2.3 है उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो एक एग्जाम्पल है कि लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया, मैंने बोला था ना अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इस तरीके से एक फंक्शन लिया गया है, एन से एन यानी नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में ही लेना है। तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एफ एन टू एन बाय, और फंक्शन को डिफाइंड करा हुआ है, ये तो बता रहा है कि किस सेट से किस में रखा गया है फंक्शन, यानी कि कहाँ से कहाँ मिलेगा, किस सेट से किस सेट में। अब ये क्या किया गया, डिफाइंड किया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1, यानी कि हमें ये नहीं दिखाना कि ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, हमें इस बार रिलेशन वगैरह कुछ नहीं दिया, हमें जस्ट फंक्शन दिया है, यानी कि कन्फर्म है इसमें जितने भी एलिमेंट्स रखोगे, जितने भी एलिमेंट्स रखोगे यानी एक्स की वैल्यूज डालते रहोगे, जो भी इमेजेस मिलेंगी वो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग मिलेंगी, यानी कि फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है पहली और दूसरी, पहली प्रॉपर्टी काम आती है, जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि जो जो भी एलिमेंट है उसकी क्या मिल रही है, अलग अलग इमेजेस मिल रही है, या फिर ऑर्डर्ड पेयर जो भी निकलेंगे उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं करेगा। तो काफ़ी सारी डेफिनेशन निकल सकती हैं फंक्शन की। और अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या है, एक्स क्या डालेंगे हम, इनपुट डालेंगे, हमें आउटपुट निकलने वाला है, ये भी हो सकता है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 है, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। और ये टेबल क्या है, किस तरीके की है ये देख लेते हैं। हमें एक्स है 1, 2, 3 देन 4 देन 5 इतना लेते हैं, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, और हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, F1 फाइंड आउट करो, ठीक है, इसके लिए F1 फाइंड आउट करो, इसके लिए F2 फाइंड आउट करो, इसके लिए F3, देन हमें क्या करना है F4, देन F5 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस तरीके से अगर 6, 7 के लिए भी पूछ रहा है तो यही है। अब इसका मतलब समझते हैं, एक फंक्शन है जो एन सेट से एन सेट में जा रहा है, उसे डिफाइन करना भी ज़रूरी है, तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकाल पाएंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर निकाल पाएंगे, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, बट उस रिलेशन में क्या होता है, जो भी पहला एलिमेंट होता है वो दोबारा रिपीट नहीं करता, या फिर यू कहें हर एक एलिमेंट की, जो भी पहला एलिमेंट है हर एक एलिमेंट की क्या होती है, यूनिक इमेज मिलती है, अलग अलग इमेज मिलती है हर बार। अब बात करते हैं इसकी, ये डिफाइंड हो गया, हमसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, F1, F2, F3, F4। अब मैंने एक बात बोली थी एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1 है, तो इस एफ एक्स की जगह पे मैं वाई भी रख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, मुझे वाई ही मिलने वाला है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाला है, वाई इज इक्वल्स टू कितना, 2x+1। इसी वजह से यहाँ पे वाई है, F1 का मतलब भी वाई ही होता है, F2 का मतलब भी वाई, F3 का मतलब भी वाई, F4 का मतलब भी इतना, F5 का मतलब भी इतना। अब इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, हमसे क्या बोला, F1 निकालने के लिए, F1, तो इस एफ एक्स इजकल्स टू 2x+1 में हमने x की जगह पे 1 रखा, तो 2 मल्टीप्लाई 1+1, 2 + 2+1 कितना, 3, यानी 1 डाला हमने, 1 इनपुट डाला, आउटपुट में क्या मिल रहा है, 3, यानी कि x हमने y डाला, y कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कैसा ऑर्डर पेयर, 1, 3 का, यानी कि अगर x 1 है तो y कितना, 3, यानी F1 की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू 3। अब हमने क्या रखा, 2 रखा, F2, इस x में हमने 2 डाला, इनपुट डाला, आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2+1, 2 × 4+1 5, यानी कि दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या, x की जगह पे 2, y कितना मिल रहा है, 5, यानी कि F2 5। इसी तरीके से F3 कर दो, फंक्शन की वैल्यू 3, 3 डालेंगे इसमें, 3 × 2 = 6+1 7, देन F4, 4 × 2 = 8+1 9, तो क्या क्या ऑर्डर पेयर मिला, 3, 7 देन 4, 9, और 5 पूछा गया है, जब हम F5 डालेंगे तो 5 × 2 = 10+1 11, यानी कि 5, 11। तो वैल्यूज़ रखते जाते हैं, 3 का कितना 7, 4 का कितना मिला 9, 5 का मिला 11। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर निकले हैं ये अपने आप में क्या है, फंक्शन है, हमें ये नहीं बोला गया था कि ये रिलेशन है फिर इसे फंक्शन दिखाओ, हमें क्या था, ये फंक्शन था ऑलरेडी, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 बोला है, इसका मतलब ये फंक्शन है, यानी कि जो भी पहला एलिमेंट है वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है,
जो भी पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में वो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है और हमें यूनिक इमेज मिल रही है हर बार। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का फंक्शन है, फंक्शन तो था ही, हमें ये वैल्यूज़ निकालनी थी बस, और किस तरीके से निकालनी है वो हमने सीखा। और फंक्शन क्या होता है, इनपुट डालेंगे आउटपुट मिलेगा, या फिर वही क्या जो भी ऑर्डर्ड पेयर निकले उनका पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा बट दूसरा एलिमेंट कर सकता है, दूसरा एलिमेंट कर सकता है। उस बात पे कंफ्यूज मत होना, वन की इमेज अगर थ्री जा रही थी और कितना टू की इमेज फाइव जा रही थी तो ऐसा हो सकता था क्या थ्री की इमेज दोबारा से थ्री मिल जाए, ठीक है, बट पहला एलिमेंट तो रिपीट नहीं कर रहा है ना हमारा, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, दूसरा रिपीट कर रहा है तो वो हो सकता है, यानी कि इसका बन क्या रहा है, वन की इमेज थ्री, टू की इमेज फाइव, थ्री की इमेज दोबारा से कितना थ्री, यानी कि दो एलिमेंट की इमेज एक मिल सकती है बट एक एलिमेंट की इमेज दो नहीं जा सकती। बहुत अच्छे से समझना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आगे भी काम आने वाला है फंक्शन का। फिर ट्वेल्थ में जाते हैं, फंक्शन पढ़ा अच्छे से नहीं होता है, वहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये रहता है बेसिक डिफरेंस क्या रिलेशन और फंक्शन। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन के टाइप्स की और एलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे।